दोस्तों आज फिर से यहाँ पर हम बात करने वाले हैं काफी सारे ढेर सारी कमाल कमाल की गर्मा गर्म न्यूज अपडेट के बारे में। काफी सारी ओसम टेक न्यूज की जानकारी जो है इस वीडियो में डेली आपको यहाँ पर मिलती है। दोस्तों मेरा नाम है राकेश और वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहली जो अपडेट निकल के आ रही है पिक्सल 3 की तरफ से निकल के आ रही है। जल्दी जो है ये लॉन्च तो होने वाला है, लेकिन इसकी एक और यहाँ पर फोटो निकल के आ गई है पिक्सल 3 XL की, जिसे जो है या तो CEO अपनी कार में भूल गया था या फिर कोई और जिसके पास ये था उस टाइम पर वो अपनी कार में भूल गया था, तो किसी ने जो है उसकी फोटो यहाँ पर निकाल ली और ये पिक जो है मतलब लीक हो गई और आप सबके सामने या फिर हमारे सामने जो है निकल के आ गई। जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं ये फोटो है इस प्रकार से होने वाला है। सामने की जो है ड्यूअल कैमरा सेटअप यहां पर कुछ कुछ नजर आ रहा है नोच डिजाइन के साथ, और पीछे की तरफ भी एक्सएल के अंदर ड्यूअल कैमरा सेटअप है और पिक्सल 3 के अंदर सिंगल सिंगल कैमरा सेटअप मिलता है। तो देखते हैं और क्या निकल के आता है इसका लॉन्च होने से पहले। EMUI जो 9.0 बेटा है वो एंड्रॉइड पाई के साथ जो है निकल के आ गया है। तो 60 डिवाइसेज को जो है ये मिलने वाला है, उसमें से है हुआवे का जो Mate 10 Pro है, Mate 10 और Mate 10 Pro दोनों को, P20 और P20 Pro दोनों को, Honor 10, Honor View 10 और Honor Play, ये जो डिवाइसेज हैं इन सबको ये जल्दी ही मिल जाएगा या फिर मिल गया होगा सभी के पास आ रही है अपडेट से। लाइक कर दीजिए जल्दी से वीडियो को, काफ़ी अच्छा लगेगा। मोटरोला का जो P30 नोट है वो भी ऑफिशियल हो गया है। पीछे की तरफ जो है ड्यूल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है और नोच डिजाइन के साथ ये भी निकल के आएगा आईफोन एक्स के जैसा यहाँ पर डिजाइन इसको बताया जा रहा है। लेकिन देखना ये है कि इसकी डिस्प्ले वगैरह में कितना है दम, मतलब लैग वगैरह या फिर कुछ बर्निंग वाली प्रॉब्लम ना निकल के आ जाए आईफोन एक्स की तरह। काफ़ी सारी जो है दिक्कतें होती हैं स्मार्टफोन निकल के आए तब, कंपनी को भी जो है काफ़ी परेशानियों का यहाँ पर सामना उठाना पड़ता है। फिर भी देखना ये है कि इसमें क्या यहाँ पर कमाल नया करने वाला है, क्योंकि जितने भी स्मार्टफोन आजकल निकल के आ रहे हैं सब कुछ या फिर कहीं सबकी शक्ल सेम टू सेम है, वही ऊपर नोट डिज़ाइन और नीचे की तरफ वही उसी डिज़ाइन से जो है सभी की डिस्प्ले, समझ में नहीं आता कौन सा स्मार्टफोन है। आपकी क्या राय इस मामले में नीचे कमेंट जरूर करें। मेजू का जो 16X है इसके अंदर नोट डिज़ाइन अब की बार नहीं दी जाएगी, 16 के अंदर दी गई थी लेकिन 16X के अंदर नोट से हटा दी गई है। फुल व्यू डिस्प्ले शायद पीछे की तरफ वही पॉपअप कैमरा या फिर कुछ मोटराइज कैमरा, मतलब कुछ ना कुछ अलग कैमरा सेटअप तो दिया ही जाएगा फ्रंट सेटअप के लिए, तो कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन ये नई न्यूज कंपनी की तरफ से निकल गया X के अंदर नहीं होगी किसी प्रकार की नोच। वीवो का जो X23 है उसके भी पोस्टर वगैरह जो है कंफर्म कर दिए गए हैं और सितंबर 6 को जो है ये लॉन्च हो सकता है, तो पोस्टर आप देख लीजिए कुछ इसी प्रकार से हैं। वाटर ड्रॉप वगैरह की नोज आजकल मार्केट में चली हुई है लेकिन ये भी जल्दी यहाँ पर बंद होने वाली है, और अंडर डिस्प्ले कैमरा इन डिस्प्ले कैमरा सेटअप जल्दी निकल के आने वाले हैं। रेडमी 6 सीरीज है ये 4G VoLTE का सपोर्ट कर रही है दोनों सिम को एक साथ, मतलब डुअल 4G VoLTE सपोर्ट आपको मिल जाएगा। वैसे रेडमी के जो डिवाइस होते हैं के जो डिवाइस होते हैं मतलब इतने सस्ते क्यों होते हैं, बाकी जितनी कंपनी है वो भी तो निकालती हैं काफी कुछ, तो कुछ ना कुछ जो है इसके अंदर कम दिया ही जाता है, लेकिन पता नहीं चलता है इतना कम भी नहीं दिया जाता है, लेकिन फिर भी जो कुछ चीजें हैं कम कर दी जाती हैं जिससे जो इतनी प्राइस यहाँ पर कम हो जाती है। 4G का ड्यूल VoLTE सपोर्ट अब आपको Redmi 6 सीरीज के अंदर मिल जाएगा जो कि जस्ट ही हाल ही में यहाँ पर निकल के आ रही है। Xiaomi जो है इंडक्शन कुकर मतलब लॉन्च कर दिया या फिर आ गया मार्केट में $78 के अंदर आप ले सकते हैं। इसकी खासियत ये है कि इसकी एक एप्लीकेशन आएगी वो आप अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल कर लीजिए और उससे जो आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अंदर आपको काफ़ी सारे यहाँ पर जो है व्यंजन पकवान रेसिपीज जो भी आप बना रहे हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर निकल के आ जाएगी या फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं उन लिस्ट को, और उसी के हिसाब से जो है उसमें टाइमिंग वगैरह यहाँ पर सेट कर सकते हैं। उसी के हिसाब से जो है कुकर यहाँ पर काम करने वाला सिंपल। Xiaomi पता नहीं क्या क्या आजकल यहाँ पर बनाने लगा है, कुछ दिन बाद जो है पता नहीं क्या निकल के आएगा। ऐसी मतलब टेबल स्पून बनाएगा जो कि हवा में उड़ेगी, मतलब ड्रोन टाइप, और सारा काम जो है खुद ही यहाँ पर कर दिया करेगी जो भी है। और सैमसंग भी जो है इन्वेस्ट कर चुका है पिछले 3 सालों के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लॉट सर्विसेज को डेवलप करने के लिए $22 बिलियन का खर्चा कर चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ पर समझ में ये नहीं आ रहा है कि जितने भी स्मार्टफोन निकल के आ रहे हैं इनके अंदर ऐसी कोई खास बात तो है नहीं, और आज जो निकल के आ रहे हैं उनके अंदर भी कोई खास बात नहीं है। अभी जस्ट हाल ही में जो है सैमसंग का गैलेक्सी नोट 9 लॉन्च हुआ उसके अंदर भी कुछ खास ऐसा देखने को नहीं मिला, तो ये 22 या फिर $22 बिलियन जो है कहाँ पर खर्च कर दिए इसने समझ में कुछ आ नहीं रहा है। वैसे ही मतलब हवा में तीर चलाया सैमसंग ने जो भी है, सैमसंग जो डिस्प्ले बना रहा है फोल्डेबल डिवीजन स्टाइल, तो रिपोर्ट यहाँ पर निकल के आई है कि ये जो डिस्प्ले है ये Xiaomi और Oppo को भी सप्लाई करने वाला है,
मतलब खुद का फोन तो अभी तक बना नहीं है एक फोल्डेबल, और दो भाई और बना लिए ओप्पो और शाओमी की, इनको भी जो मैं यहाँ पर डिस्प्ले दे दूंगा ये भी बनाएंगे फोल्डिंग स्मार्टफोन। पहले खुद तो बना ले। जापान भी जो है कि नया प्रोजेक्ट यहाँ पर बना रहा है और पहला टेस्ट जो है जल्दी यहाँ पर मतलब करने वाला है। ये जो परियोजना होगी ये लोगों को जो है अंतरिक्ष की सैर कराने के लिए होगी। पहले जो यूएसए वाली परियोजना निकल के है उसकी कॉस्ट तो काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन ये जो है काफ़ी कम प्राइस के अंदर, काफ़ी कम कॉस्ट के अंदर जो है लोगों को अंतरिक्ष से दिखाने वाला है किस प्रकार से जो है वहाँ पर क्या है जो भी है। जल्दी इसकी टेस्टिंग की जाएगी जापान की तरफ से और उसके बाद जो है देखते हैं क्या होता है। Xiaomi जो है प्रमोट कर रहा है पोको F1 कैमरा की जो मतलब तस्वीरें निकाल के दिखाता है, सारी की सारी जो है फेक यहाँ पर साबित हो गई है। मतलब फेक कैमरा यूज करके यहाँ पर पोको F1 की एडवर्टाइज वगैरह कर रहा था। Huawei ने जो है खुलासा किया है, उसके बाद समझ में आया कि जो पोको F1 के अंदर जो कैमरा दिया गया है वो मतलब इतना फैंटास्टिक कैमरा नहीं है, उसके लेंसेज जो है इतने फैंटास्टिक नहीं है। एक सॉफ्टवेयर बेस्ड जो उसे चलाया जा रहा है और उससे जो है कलर वगैरह जो है फिक्स होकर या फिर निकल के आ रही है फोटोज, और ये फेक कैमरा यहाँ पर साबित हुआ। अभी जो है नई अपडेट निकाल रहा है पोको F1 के लिए स्पेशल कैमरा के लिए कि जो कैमरा के अंदर कमी है उन्हें इंप्रूव यहां पर कर पाए। क्यों ऐसा क्यों किया Xiaomi ने, ये बिल्कुल गलत बात है। आपका क्या ख्याल है इसके बारे में नीचे कमेंट जरूर करें। Honor Magic 2 जो है स्लाइडिंग कैमरा पीछे की तरफ है, मतलब सबको यहां पर बीट करने वाला है। फुल व्यू डिस्प्ले स्क्रीन 980 का सपोर्ट है, तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है ये तो कमेंट आप कर ही देंगे। सबको जो है यहां पर बीट कर देगा। Oppo का Find X भी गया और जो Lenovo का निकल के आ रहा है वो भी गया, सब गए। और इसमें खास बात सुनिए, यहाँ पर 40 वाट की जो है मैजिक चार्ज इसमें दिया गया है, उसका भी सपोर्ट इसमें है। और आई फिर 2018 में उन्हीं के साल लगभग मिस्त्री भी निकल के आ रहा है। कल हमने एक वीडियो भी बनाया था, सॉरी आज जो अपलोड किया था सुबह मैंने उसको, लेकिन जो भी है उसके अंदर भी काफी सारी जानकारी इसी के बारे में यहाँ पर दी गई थी। Lenovo का जो Z6 है उसके नाम से वो वीडियो है, उसके अंदर काफी सारी जानकारी है इन सब के बारे में, तो क्या क्या इनके अंदर होगा क्या नहीं होगा जो भी है वो वीडियो जरूर देख लें। Honor ATX भी जो है Geekbench की वेबसाइट के ऊपर यहाँ पर देख लिया गया है और इसकी भी जो है काफी धमाकेदार यहाँ पर जो है मतलब दिखाई दे रहा है क्या करने वाला। काफी बड़ी सी एक डिस्प्ले, 7 कुछ इंचेज की जो है इसमें डिस्प्ले बताई जा रही है। अब 7 इंचेज की डिस्प्ले के साथ जो है कि क्या फैबलेट से भी मतलब प्लस से ये स्मार्टफोन होने वाला है। तो Geekbench की वेबसाइट पर 1567 सिंगल कोर की जो है यहाँ पर टेस्टिंग स्कोर जो है यहाँ पर निकल के आया है, वहीं पर जो 5567 जो है मल्टी कोर की रेटिंग यहाँ पर निकल के आई है। तो कुल मिलाकर रेटिंग काफी बढ़िया चल रही है, तो इसका मतलब है लोगों को काफी पसंद आ रहा है 7.2 इंचेज का IKEA वाला स्मार्टफोन। OnePlus भी जो है जनवरी 15, 2019 में मतलब गोल अपनी यहाँ पर बता दी है कि गोल होगा क्या होगा 5G स्मार्टफोन यहाँ पर निकाल कर देने वाला है जनवरी 15 के अंदर, यानी फर्स्ट क्वार्टर के अंदर ही 5G फोन OnePlus की तरफ से। तो ये क्या OnePlus 7 हो सकता है या फिर OnePlus 7 Plus हो सकता है, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है क्योंकि OnePlus 6 आ गया, OnePlus 6T आने वाला है और OnePlus 7 जो है लगभग लास्ट क्वार्टर के अंदर हो सकता है लॉन्च हो। तो ये हो सकता है OnePlus 7 Plus या फिर OnePlus 8, इन दोनों में से या फिर इन तीनों में से कोई सा भी हो सकता है। लेकिन फिर भी जो है कोई बात नहीं, जब आसपास होंगे तब पता चल जाएगा क्या जो है OnePlus की तरफ से निकल के आने वाला है। और Canon भी जो अपना फुल फ्रेम मिररलेस कैमरा जल्दी लॉन्च करने वाला था, कुछ लीक्स वगैरह इसकी निकल गया है, कुछ फोटोज वगैरह निकल गया है, आप देख लीजिए। इसके अंदर भी काफ़ी कुछ यहाँ पर होने वाला है, वही 24 कुछ मेगापिक्सल का एक कैमरा होगा, किट लेंस वगैरह भी काफ़ी कमाल के होंगे। और ये मिररलेस है और मिररलेस कैमरा जो है बैटरी बहुत खाने वाले हैं क्योंकि इनके अंदर जो मिररलेस सिस्टम है, जैसे कि स्मार्टफोन के अंदर भी मिररलेस ही कैमरा होता है डायरेक्ट जो है होता है, जब तक कैमरा शुरू या फिर चालू रखते हैं तब तक जो है लगातार यहाँ पर बैटरी खाते रहता है। और वहीं पर जो DSLR नॉर्मल निकल के आता है किट लेंस वाला, वो कैमरा काफ़ी बढ़िया होता है, बैटरी ज़्यादा यहाँ पर नहीं खाता है, मतलब वो उसका सेंसर वगैरह बंद हो जाता है अगर यूज में नहीं लेते हैं। तो काफ़ी बढ़िया सी ये मतलब न्यूज़ अपडेट्स थी आज की और काफ़ी मज़ा आया आपको बताने में, ऐसा करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी, आप भी हो गए होंगे लेटेस्ट अपडेट के साथ अपडेट। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, नीचे गोला मिल जाता है इसके ऊपर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही जो है बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। कोई सवाल है तो सुझाव है तो उनसे कमेंट जरूर करें, वीडियो कर दे लाइक, शेयर कर दे अपने फ्रेंड्स को। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।